आज हम बात करने वाले हैं पे रूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन रियल है या फेक। आज मैं इसको आपको लाइव प्रूफ यहाँ से अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसकी रेटिंग 4.4 की इसकी रेटिंग है, जिसके डाउनलोडर 1 मिलियन प्लस डाउनलोडर है। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करके हम चलते हैं इसकी ओपन करके चेक करते हैं। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो आज मैं आपको यहाँ से लाइव प्रूफ ही जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा कि यहाँ से लिमिट मिलेगी या हमारे को यहाँ से नहीं मिलेगी। माय लोन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आधार कार्ड आ जाता है। आधार कार्ड स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपको फ्रंट आधार कार्ड डालना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी जो मेरी फ़ोटो है उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। और मैं ऐसे फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर आधार कार्ड फ्रंट ये मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से फिर से जो अपनी बैक फ़ोटो है वो मैं यहाँ से फिर से निकाल लेता हूँ। मैं अपनी बैक फ़ोटो भी यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। बैक फ़ोटो सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट, ये मैं यहाँ पे अपनी जो स्टेट है वो यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। स्टेट सबमिट करने के बाद इसको फिर थोड़ा सा बैक करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरी स्टेट है वो है हरियाणा। मैं हरियाणा यहाँ पे करके फिर यमुनानगर कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। मैंने पिन कोड डालने के बाद मैं करंट एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद हमारे से पूछ रहे स्टेट, मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड पे क्लिक मेरे चिल्ड्रन एक कर देता हूँ। रेगुलेशन मैं हिंदू हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदू कर देता हूँ। उसके बाद एजुकेशन पे मैं नहीं कर देता हूँ, बाकी इंग्लिश मेरी यहाँ पे हिंदी है, मैं हिंदी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बर्थ आईडी पूछ रहा है, मैं पे बर्थडे यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करते यहाँ पे मेल कर दूँगा। मेल करने के बाद मेरा आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, वो मैं आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास अभी एक आधार ओटीपी आएगा, उसको भी मैं फिल करके आपको यहाँ से लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि एप्लीकेशन रियल है फेक, यहाँ से जो हमारे को लोन प्रोवाइड होगा या नहीं होगा। मेरे पे ओटीपी ऊपर आ गया, ओटीपी आने के बाद मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर देता हूँ। ओटीपी मेरा फिल हो गया, उसके बाद मैं एग्री सबमिट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं एग्री सबमिट पे क्लिक करता हूँ। एग्री सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आगे का इंटरफेस देखते हैं हमारे को क्या देखने को मिलेगा। ये मेरा यहाँ पे सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे मेरा पैन कार्ड पूछ रहा है, मैं यहाँ पे पैन कार्ड की नेक्स्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड की जो फ़ोटो मैंने ले रखी है उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं गैलरी में जाऊँगा, गैलरी में जाने के बाद मैंने पैन कार्ड की फ़ोटो खींच रखी है उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद ये नाम मांग रहा है, मैं यहाँ पर नाम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर फिर मेरा पैन नंबर मांग रहा है, पैन नंबर मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे मांगेगा फादर नेम, मैं फादर नेम भी यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद जॉब टाइप सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे क्लिक करना है। मंथली इनकम मैंने आपको पहले ही बता रखी थी, आपको 10,000 से 20,000 के बीच में नहीं डालनी, आपको डालनी है 20 से 40 के बीच में। और जो कंपनी है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। अब जो मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट हो चुका है, रिलेशनशिप में यहाँ पे बता देता हूँ, कपल चिल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे जो फ़ोन नंबर एमरजेंसी जो नंबर मांग रहा है वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आप किसी का भी यहाँ पे नंबर फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर फिल कर दिया। उसके बाद मैं रिलेशनशिप में फिर से यहाँ पे कपल का कर दिया, फिर मैं यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे डाल दूँगा। नंबर डाल दिया मैंने, फिर से मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद मेरा यहाँ पे आईएफएससी कोड मांग रहा है।
मैंने यहाँ पे आईएफएससी कोड मारने के बाद मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से एक बार यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वी नीड यू टू नो लोकेशन सर्विस। अब ये लोकेशन सर्विस यहाँ से हमें ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगी। अब देखते हैं कि हमारे को यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारे को कितनी लिमिट देखने को मिलेगी। 1 से 2 मिनट वेट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से जो लोन है वो लाइव प्रूफ ही अप्लाई करके दिखाया है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद 1 से 2 मिनट में ही पता चल जाएगा कि जो हमें यहाँ से लोन मिलेगा या हमारा यहाँ से जो लोन है वो डिक्लाइन हो जाएगा। 1 से 2 मिनट हमें वेट करते हैं। वेट करने के बाद देखते हैं कि जो यहाँ से हमारा मोबाइल वो जो हमारा लोन है वो कितनी देर में। अभी ये रिव्यू रिव्यूइंग विल बी डन 30 सेकेंड, और मैं यहाँ पे 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा। और भी जो हमारा अकाउंट नंबर है वो वहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे पता चलेगा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो मुझे लोन मिला है वो मुझे 1500 और 1800 के बीच में लोन मिला है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 4000 का लोन 28 डे के लिए, 15000 का लोन 365 डे के लिए। अगर ये हमें चाहिए तो हमें बैंक अपलोड स्टेटमेंट देनी होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1800 का लोन 14 दिन के लिए दे रहा है। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लोन 1800 रुपये का है और लोन टेनवर 14 दिन का मिलेगा। रिसीव होंगे 1470 रुपये और हमें पे करने पड़ेंगे 1821 रुपये। आपके सामने मैंने जो इसमें सर्विस फीस है 324 रुपये और GST 69 रुपये लगेगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे लोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ कस्टमर का कहना था कि हमें यही पता करना था कि जो यहाँ पे लोन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एप्लीकेशन 100% वर्क कर रही है, पर ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ हमारे को 14 दिन का ही लोन प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको यहाँ से 4000 का लोन चाहिए 28 डे के लिए, या 15000 का लोन चाहिए 365 डे के लिए, तो हमारे को यहाँ लिखा आ रहा है 100% अनलॉक बाय अपलोड बैंक स्टेटमेंट करनी पड़ेगी, तो ही हमारा जो लोन है यहाँ से अनलॉक हो पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे न्यू कंटेंट लाइव प्रूफ ही अप्लाई करके दिखाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।